से खेत पे सिंचाई चल रही है, अब वहां पे वो 10 घंटे बोलते हैं लेकिन 10 घंटा पर्याप्त नहीं मिलती। की बात हो, अजय सिंह राहुल की बात हो, ये लोग उतना नहीं दिखाई दे रहे, बल्कि या जो राहुल विधायक को टिकट काट के दिया है आपने, उन पर विश्वास नहीं था, या इसका क्या कारण है? कार्यकर्ता दुखी है। नहीं उनका उनका अब बात जैसे की कोई जाए रोजगार की, तो रोजगार तो मिला हुआ है हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं को, नेताजी के सामने बैठ के सेल्फी खिंचवाने का, नामांकन भरने जा रहे हैं तो 1 लाख की तादाद में नेताजी के साथ लोग पहुंचने चाहिए, अगर कोई बड़े शिवराज सिंह चौहान जी जैसे नेता की रैली हो रही है, कमलनाथ जी जैसे नेता की रैली हो रही है तो 2-4 लाख लोग तो पहुंचने चाहिए। तो अगर सबको रोजगार मिला रहेगा तो कहाँ से लोग अपनी, किसको छुट्टी मिलेगी रैली के लिए, कौन सी कंपनी रैली अटेंड करने के लिए छुट्टियां देती है? क्या अनुपम, रोजगार के बारे में बात की जाए तो आतिश सहले आप तो स्वरोजगारी हैं, आप बताओ थोड़ा सा। आशीष सहले, आपको हमारी आवाज आ रही है? आशीष जी आप म्यूट हैं। हेलो, नहीं, बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। हाँ बोलिए आशीष। क्या लगता है, आप भी राहतगढ़ के पड़ोसी ही हैं, क्या लगता है रोजगार के मुद्दे पे जो आवाज नहीं चौहान आ ने रही बात की, क्लियर, आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही सर। मेरी आवाज आ रही है क्या? अनुपम कंटिन्यू करो। जी सर, आवाज आ रही है? जी सर, हाँ, आप बताइए, ये जो रोजगार के बारे में बातचीत हो रही थी सलमान और मेरे बीच में, आपका क्या कहना है? आप विदिशा से हैं और विदिशा में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे लास्ट में अपना प्रत्याशी डिसाइड किया। प्रत्याशी लास्ट में घोषित किया है, अंदरूनी कलह के कारण मैनेजमेंट नहीं हो पाया भाजपा का, क्योंकि प्रत्याशी अधिक होने के कारण डिसीजन नहीं ले पाए और आखिरी में मुहर टंडन जी पे लगानी पड़ी। शिवराज जी का मेन मकसद था टंडन जी चुनाव लड़े, अच्छा, ऐसा सुनने में आ टंडन रहा जी है। को कौन, अंदरूनी कलह में कौन कौन से बड़े नेता थे जो जिनको टिकट चाहिए थी? टिकट सर, सबसे पहले वित्त मंत्री जो राघव जी की बेटी ज्योति शाह, इसके बाद अच्छा, श्याम सुंदर शर्मा जी थे, मनोज कटारे जी थे, तोरण सिंह जी दांगी, जिला पंचायत पूर्व अध्यक्ष भी और दांगी समाज के स्तंभ, और पूर्व विधायक स्वर्गीय मोहन सिंह ठाकुर की पत्नी सुशीला ठाकुर जे भी थी। तो अभी जिनको टिकट मिला है टंडन जी को, जी उनके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे तो नेता क्या हैं, क्या टंडन जी काम को किए हैं टिकट अभी देने तक? के बाद? टंडन जी बहुत सशक्त नेता हैं, पूर्व में नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो पिछली बार भी इलेक्ट चुनाव लड़े थे जी, चुनाव हार गए थे शशांक भार्गव जी से अच्छा, तो जी। शशांक भार्गव जी अभी कहाँ हैं? अभी वो क्षेत्र में है सर, दौरा अच्छा, उनको टिकट क्यों जी। नहीं मिला? शशांक किसको? भार्गव, शशांक भार्गव विधायक हैं और कांग्रेस से हैं सर अच्छा कांग्रेस से है और उन्हीं को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। जी, टिकट दिया है, उनका सतत जनसंपर्क जारी है और टंडन जी को एन वक्त पे दिया है, थोड़ी मुश्किलें उनको आ सकती हैं समय कम होने के कारण। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में विदिशा से कौन उड़ा के ले सर इस जाएगा टिकट? बार विदिशा जिले की 5ों विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने बहुत सशक्त उम्मीदवार उतारे हैं मैदान में,
विदिशा से शशांक भार्गव, गंजबासुदा से पूर्व विधायक निशंक जैन, और इसके अलावा सिरोन से विधानसभा से गगेंद्र सिंह रघुवंशी, और शमशाबाद विधानसभा से भंवर बना कुंवर विक्रम सिंह, इनको तो मतलब प्रत्याशी बनाया है। सारे कांग्रेस ने अपने जो भी प्रत्याशी उतारे तो कद्दावर लोग हैं। हाँ, कद्दावर भी है, सतत क्षेत्र से जुड़े रहे हैं 5 साल। अच्छा, 5 साल। हाँ, 5 साल पब्लिक में रहे हैं सर। और जो कुरवाई की हमारी प्रत्याशी अगर चेहरा बदला है तो क्या उसका कुछ असर होगा? नहीं, असर होने को, क्योंकि पब्लिक में भी थोड़ी एक वो लहर चल रही है बदलाव की, सुनने में आ रहा है जी। और इसके अलावा कुरवाई विधानसभा से जिला पंचायत की जो सदस्य थी रानी हेरवार, वो बिल्कुल गरीब तबके से आती हैं, आखिरी पंक्ति की महिला हैं, और उनका भी पार्टी ने और कमलनाथ जी के सर्वे ने उनको टिकट दिया है। और अच्छा। पार्टी जी पार्टी के कार्यकर्ता भी चाहते थे टिकट उन्हीं को मिले। तो क्या लगता है कि जैसे मान लीजिए तो ये लोकल प्रत्याशी हो गए, उन्होंने जो काम किया होगा वो किया होगा उन्होंने, लेकिन लेकिन मोदी और शिवराज सिंह चौहान के नाम पर भी वोट पड़ेंगे ना? उन्होंने सारी योजना, इतनी आवास चाहे हो, चाहे शौचालय हो, चाहे खाद्यान्न हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, एक तरह से देखा जाए तो केंद्र और शिवराज सिंह चौहान मिलके काफी कुछ लोगों को डायरेक्टली पहुंचा रहे हैं, तो क्या उसका कोई असर नहीं होगा? नहीं, इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन पब्लिक भी साफ समझती है कि सब, पब्लिक भी जानती है कि आखिरी में जो साल 18 महीने में उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना लागू की, तो वो जानते हैं कि पहले कहां थे। और मतदाता भाग के लिए वर्तमान समय में नहर का पानी नहीं आ पा रहा है, बिजली का संकट है, तो इन समस्याओं को मैं देखता है। पूरे मध्य प्रदेश में क्या हो गया अचानक कि इतना बिजली का संकट आ गया? क्या पता सर, ये अब लाइट जो नहर का पानी आता है, जो ट्यूबवेल से खेत पे सिंचाई चल रही है, अब वहां पे वो 10 घंटे बोलते हैं, लेकिन 10 घंटा पर्याप्त नहीं मिलती, किसी किसी दिन तो पूरी रात लाइट नहीं आती, किसान परेशान होता है। तो मतलब परेशान का सुविधाओं के लिए लोग लड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और सरकार अपने आप में ही खुश है कि हमने डायरेक्ट ये दे दिया, हमने डायरेक्ट वो दे दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। नहीं सर, एक बात है कि अंदरूनी कलाई भी कुछ दिक्कत दे रही है कहीं कहीं, और चुनाव बिल्कुल टसमा टस 50-50 का है हर जगह। बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि जी हाँ, भाजपा का गढ़ रहा है विदिशा और आसपास जितनी विधानसभा रही है भाजपा के गढ़ में रही है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि 50-50 में कुछ भी हो सकता है, एक रिकॉर्ड ही बन सकता है विदिशा जिले के गढ़ में। लेकिन सवाल ये उठता है कि जैसे मान लीजिए कि कांग्रेस अगर सत्ता के नजदीक पहुंच भी गई, या सत्ता का जो आंकड़ा है वो पार भी कर लिया अगर कांग्रेस ने, तो क्या सरकार चला पाएगी कांग्रेस? अब उम्मीद तो व्यक्त कर रहे हैं जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं पार्टी के, उनका पूरा फोकस है इस चीज के लिए कि मैं सत्ता, जो उनकी योजनाएं आई हैं, जो उनके वचन आए हैं, उस पर भी गहन थोड़ा सोच रहा है। और जो 18 महीने की सरकार में जो विकास कार्य हुए थे या जो कर्ज माफी वगैरह हुई थी, लेकिन कुछ उनके विरोध में जा रहे हैं कि भाई उनने झूठा साबित हुए, उनने कर्ज माफी नहीं की, लेकिन उस समय कमलनाथ जी 10,000 युवाओं को देने के लिए बोला था, बेरोजगार युवाओं को देने के लिए बोला था, वो नहीं दिया गया जी। मगर वो कहते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिल पाया, मैंने कर्ज माफी पे पहली सीढ़ी चढ़ रहा था, दूसरी सीढ़ी चढ़ा, इसके पहले मुझे पटक दिया गया मेरे लोगों द्वारा। वो तो लोगों उनके लोगों द्वारा है, तो क्या 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 संभावना है कि लोगों द्वारा पटक दिया जाएगा कि नहीं पटका जाएगा? नहीं, इस बार ये पार्टी बताती है, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का है कि जो कचरा था वो साफ हो चुका है। अच्छा, अब ऐसा, हाँ, ऐसी स्थिति नहीं बनेगी, कचरे की वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने की कंडीशन में है। बिल्कुल सर, ऐसा भी हो रहा है,
मेरे क्या पास लगता पहले है एक बड़ा कांग्रेस के सवाल, जो नेता भारतीय जनता पार्टी में आए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में, क्या उन लोगों ने जी वाकई में भारतीय जनता पार्टी के विचारों में काम किया है कि वही लूट खसोट ही मचाई है और भारतीय जनता पार्टी के नाम पर अंत्योदय अंत्योदय चिल्लाते रहे? लेकिन सर, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हमारे जिले में जो पदाधिकारी आए थे वापस, लेकिन उनकी कहीं पूछ परख ना होने के कारण वो बिल्कुल हसिया पे हैं। हसिया पे हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनके अब लिए उनके लिए तो महत्व, कांग्रेस के भी दरवाजे बंद हैं। हाँ कांग्रेस में तो आने का उनने सोचा भी होगा शायद अपने मन से, लेकिन बिल्कुल उनने प्रयास किया होगा कहीं। अब ये अपन के लिए नहीं पता प्रयास किया है कि नहीं। भगवान सिंह प्रजापति बार बार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपनी टीम बैकएंड टीम से बोलूंगा कि उनको थोड़ा सा सिखा दें कि कैसे कनेक्ट होना है, और मैं चाहता हूं कि राहतगढ़ की उस जगह को मैं खुद देखना चाहता हूं कि अभी क्या विकास हुआ है, क्योंकि मैंने देखा है कि किस जगह तरह तमाम से लोगों ने राहतगढ़ के ज्यादा गरीब काम तिल तिल करके मर रहे थे, तिल तिल करके तड़प रहे थे, उनको गोविंद सिंह राजपूत की तरफ से वो इन इनफैक्ट एक बुढ़िया माता मिली थी, गरीब थी, वो बोल रही थी कि मेरे सामने अगर आ गया तो मैं जूते मारूंगी। वो दिखाई नहीं देता, वो मतलब अब वोट लेने के बाद वो गायब हो गया, मतलब दूर कोई जगह बता रही थी कि वहां तक आता है और वहां से चला जाता है, इस साइड में आता ही नहीं है। जी। अरे सबसे तो पहला बड़ा सवाल तो ये भी है कि जब राहतगढ़ में 4,000 आवास आए हुए हैं, तो फिर वो आवास आखिर मिले किसको, यानी गरीबों को नहीं अगर मिले? अगर अगर इस इसके व्यक्ति को नहीं बागवानों मिले को जिसकी हमने दो हमने तीन बार भी बागवानों की कोशिश की, हमने आवश्यकता काफी क्यों कोशिश और की। दिए किसको? बिल्कुल, हालांकि सलमान शायद कनेक्टेड नहीं है, बड़ा सवाल तो यही है। बहुत बड़ा सवाल है। और देखा जाए तो जैसे विदिशा, आपने आशीष सहेले ने बताया कि कभी शिवराज सिंह चौहान का गढ़ हुआ करता था, और आज ये स्थिति है कि 50-50% पे अटकी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को ये जरूर देखना चाहिए कि उसके जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं या चुने हुए विधायक हैं, वो काम क्या कर रहे हैं, जिनको उन लोगों ने मंत्री बनाया है वो काम क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं की और यहाँ बुराई कर रहे हैं और हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि ऐसा लग रहा हो, लेकिन जो समस्याओं की जड़ है, जिन्होंने जिनको दायित्व तो मिला था, काम नहीं किया, तो हम तो उन्हीं को बोलेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के ही एक और नेता हैं गोपाल भार्गव गढ़ाकोटा से, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है अपने क्षेत्र में, उनके क्षेत्र के लोग उनके कामों से खुश हैं। तो हमने उस चीज को भी दिखाया कि अगर कहीं कहीं नेता कोई अच्छा जनप्रतिनिधि बढ़िया काम कर रहा है तो हम उसको भी दिखा रहे हैं। और यहाँ पर एक बात और है अच्छा कि शिवराज आशीष सिंह जी सहेले जी, का मुझे ये राजनीतिक बताइए करियर कि तो शुरू जैसे हुआ आप बोल गोविंद रहे हैं, पिता आपके मुख्यमंत्री विदिशा, से ही हुआ था। अनुपम तुम्हारी आवाज अच्छे से नहीं आ पा रही है। जी सर, मेरा ये सवाल था कि आवाज जैसे विदिशा में कितनी विधानसभा सीटें हैं? विदिशा में सर 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, विदिशा, शमशाबाद, सिरोंज, कुरवाई, गंज, वासुदा। तो आप ये बताइए, अगर यहां से तीन कांग्रेस के नेता जीत के जाते अब हैं, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज, तो तीन अगर जीत के जाते हैं तो इनकी क्या गारंटी है कि ये बिकेंगे नहीं? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल आज नहीं के समय में ये भी है कि जिसको जनता ने चुन के दे दिया पिछली बार, वो तो बिक गए, अब क्या सर, इनका क्या विधि मतलब है, गारंटी है कि ये नहीं बिकेंगे? नहीं, जो 5 प्रत्याशी विदिशा जिले में कांग्रेस ने दिए हैं वो आज के नेता नहीं है, वो भविष्य के नेता हैं और काफी समय से कांग्रेस की सेवा की है। जिस समय कांग्रेस गर्दिश में थी उसी समय से वो सतत जुड़े हैं, उनको जाना होता तो पहले भी चले जा सकते थे। उनको जाना होता तो पहले भी जा सकते थे। हाँ, हालांकि परिवर्तन जो इस प्रकार का होता है वो तो जब सत्ता आती है तभी उसी के बाद होता है। अब सिंधिया जी के बारे में तो किसी को भी आशंकाएं नहीं थी, लेकिन पिछले चुनावों में 18 महीने की सरकार के बाद वो अपने विधायकों के साथ चले गए, तो
तो नहीं सर, ये क्या मैं कहीं ना कहीं आपके प्रदेश की मुंह जनता के लिए पर एक बड़ा संदेह आने है। जी, बिल्कुल, लेकिन मान रहे हैं, प्रदेश लेकिन अध्यक्ष क्या और है कि मुख्यमंत्री के दावेदार भी थे वो। जी, तो कांग्रेस का मुझे सबसे बड़ा संकट जो समझ में आता है वो लीडरशिप का समझ में आता है, और लीडर कहीं ना कहीं कांग्रेस के जी जो सर, बड़े लीडर हैं, जैसे जैसे कमलनाथ हो गए, बड़े लीडर हैं, लेकिन वो पार्ट टाइम लीडरशिप करते हैं, वो फुल जी टाइम उनका राजनीति में कंसंट्रेशन नहीं है। अगर फुल जी टाइम काम कर रहे होते, जैसे ये हो गए जीतू पटवारी हो गए, अब अगर कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ कभी त्योंथर आए हो तो बताएं, वहीं शिवराज सिंह चौहान पिछले 5 सालों में कम से कम 3 बार त्योंथर जैसी जगह में आए होंगे, जिसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है मध्य प्रदेश की राजनीति में। नहीं सर, जे मानता हूं मैं। अब वो क्या है कि बड़ा व्यक्ति और दूसरी बार चेहरा आया है, कमलनाथ जी पहले भी आए थे, वो कुछ ही समय से सक्रिय हुए थे, लेकिन इन 5 सालों में सतत सक्रिय हुए हैं, और पार्टी के लिए बहुत कुछ उनने किया है। कार्यकर्ता बताते हैं, पार्टी के पदाधिकारी बताते हैं, जिस मुकाम पर आज पहुंचाया है वो उन्हीं की देन है, उनकी मेहनत का परिणाम है। स्वाति सेन कहती हैं कि गोविंद सिंह राजपूत लेकिन काम सिर्फ जैसा कि पूरक कर अभी दिए हैं, हकीकत में नहीं। और जैसा कि मुझे भी जहां तक है रीवा जिले की मैं अगर बात कर रहा हूँ या रीवा संभाग की भी बात कर रहा हूँ, तो कमलनाथ जी के दौरों की अगर बात करें तो वो चुनिंदा दो चार से अधिक नहीं रहे होंगे। पिछले 10 वर्षों की अगर हम अपना बात करते हैं जीरो बचा दिया है उन्होंने कि जीरो नहीं आना चाहिए, जन बाकी प्रतिनिधि इतना का ही। जनता जीतू पटवारी कहाँ है पता नहीं, बिल्कुल विंध्य क्षेत्र में वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, जहां तक जबलपुर जनता से महाकौशल लगाव की क्षेत्र में बात है। दिखाई नहीं दे रहे हैं, बुंदेलखंड में दिखाई नहीं दे रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं कहाँ? राहुल गांधी नहीं दिखाई दे रहे, प्रियंका गांधी गायब है। इतना बड़ा इंडिया गठबंधन बना दिए, दुनिया भर के नेताओं को इकट्ठा कर दिए, लेकिन सब गायब है, कोई नहीं है। आज कांग्रेस के साथ मध्य प्रदेश में कोई खड़ा होने यहाँ वाला पर एक नहीं चीज है। और कहना चाहूंगा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी उतना ज्यादा दिखाई दे रहे हैं जितना ये कमलनाथ और यहाँ की स्थानीय नेता जीतू पटवारी की बात हो, अजय सिंह राहुल की बात हो, ये लोग उतना नहीं दिखाई दे रहे हैं। बल्कि नहीं राहुल दिखाई गांधी नहीं और रहे। प्रियंका गांधी तो एक दो बार अभी बिंद में अपने आ भी चुके, शहडोल में आ चुके, तो ये तो है। लेकिन कमलनाथ जी की जब बात करते हैं तो स्मरण में नहीं आता है कि वो लास्ट टाइम पे कब यहाँ बिंध प्रदेश का दौरा किए थे या बिंध से जुड़े जिलों में कब मुझे दौरा तो किए थे लगता है या आपको जीतू पटवारी पता कब भी आए थे। नहीं जीतू होगा, हो पटवारी जब सकता है लास्ट टाइम देश पे आए थे भर तो एक में विवादित वीडियो वायरल हो गया था। देखा हो। अनुपम, तुम्हारा कैमरे का जो एंगल है वो सही नहीं है, सीधा सीधा कर लो हॉरिजॉन्टल मोड में। तो देखो, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अगर आप एक नेता हैं और मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कहाँ किस तरह के लोग रहते हैं, कहाँ क्या सभ्यता है, कहाँ क्या मुद्दे हैं। आपको पता ही नहीं है, आपको पता भी नहीं होगा त्योंथर का शायद ही कोई, या रीवा जिले का शायद ही कोई ऐसा बड़ा नेता होगा जो आपके साथ बैठ के बातचीत करता होगा, और वो भी पता नहीं क्या बातचीत होती है आपकी। कई कई लोगों ने, अच्छे नेताओं ने, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, उन्होंने आरोप लगाया, जैसे सिद्धार्थ तिवारी ने आरोप लगाया कि कमलनाथ के पास तो मिलने के लिए, हम जैसे नेताओं के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है, बोलते हैं अपॉइंटमेंट लेके आए हो, मतलब आप खाली बैठे हो अपने ऑफिस में, टाइम पास कर रहे हो और आप अपॉइंटमेंट देख रहे हो। तो वैसा ही हो गया, जैसे मैं रीवा में गया था एक एसपी महोदय से मिलने, तो एसपी महोदय के यहाँ तो ऑब्वियस सी बात है अपॉइंटमेंट चलता है, लिख के चिट भेजो, फिर जाके वो अप्रूव करेंगे और आपका नंबर आएगा। जब मैं जाके देखा तो गप सड़ाका मार रहे 2 घंटे, 2 घंटे एसपी सिर्फ और सिर्फ फालतू की बातें कर रहे थे लोगों से, और मैं बैठा उन्हीं के ऑफिस के अंदर एक अलग कुर्सी में, मैं बैठा इंतजार कर रहा हूं अपनी बारी का। तो इस तरह के लोग कभी भी देश का भला नहीं कर सकते। अगर कोई काम करना है तो फोकस होके करना पड़ेगा, पूरा डेडिकेशन के साथ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इतना बड़ा व्यापार भी चला लो और प्रदेश भी चला लो, ये असंभव है। बिल्कुल आपको सर, दोनों में से किसी एक चीज को चुनना चाहिए, जी सर, तभी आप न्याय कर पाएंगे अपने प्रदेश के लोगों के प्रति, अपने पार्टी के प्रति, अपने पार्टी के प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं के प्रति।
आज आप देखें, मैं मतलब किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कंपैरिजन कर रहा हूं, जी क्योंकि जी लीडरशिप नाम की कोई चीज होनी चाहिए। आज आप देखो शिवराज सिंह चौहान दिन में चार चार जगह, पांच पांच जगह जा रहे हैं। जी सर, नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा आज शिवराज सिंह चौहान एक्टिव है मध्य बिल्कुल प्रदेश के सर, चुनाव में। जी सर, ऐसी कोई चेहरा जगह, की बात, ऐसा कोई जिला, ऐसी कोई तहसील नहीं होगी जहां पे शिवराज सिंह चौहान नहीं गए हो पिछले 5 सालों के अंदर। शिवराज जी से अच्छा चेहरा भी भाजपा के पास नहीं है, एक बात मानना पड़ेगा। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं भी यही चीज एग्जैक्टली बोलता हूं कि बीजेपी ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया है और इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से आज 50% पे आ गई है। नहीं, और मेरी जो अगर जिले, मेरी जिले की जो सीटें हैं उनमें उन्हीं का जो आखिरी डिसीजन हुआ है उन्हीं की ही चली है, बाकी लिस्टों का तो नहीं पता। लेकिन हमारी विदिशा जो गढ़ है उनका गृह नगर भी माना जाता है, गृह क्षेत्र ही माना जाता है, उसमें टिकट में सिर्फ उन्हीं की चली है सर। सिर्फ शिवराज सिंह चौहान की चली है, तो हाँ, फिर चार ऐसा क्या प्रत्याशी, है, क्यों क्यों इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री का जो पोजीशन है उसको डिस्क्लोज नहीं किया कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, जबकि अब सर कांग्रेस ये ने तो बोल दिया कि कमलनाथ बनेंगे। जी, अब उनकी पार्टी की विचारधारा है, उनका मन है, वो क्या चाहते हैं, अब वो क्या कह दें अपन। नहीं, ऐसा तो लेकिन नहीं कि वोटर को कंफ्यूज करना चाहते हैं कि उधर इंदौर साइड से अपने कैलाश वर्गीय जी लड़ रहे हैं तो उनके लोगों को फीलिंग आ रही कि इनको ढेर सारा वोट दे के जिताओ तो ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उधर रीवा में राजेंद्र शुक्ला को लोग सोच रहे हैं कि इनको आप सारी की सारी सीट दे दो तो राजेंद्र शुक्ला मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ऐसा ही सर दतिया में भी है। दतिया है, इसके बाद हमारे यहाँ भार्गव जी हैं, गोपाल भार्गव रैली में, प्रहलाद पटेल हाँ जी नरसिंहपुर, तो ये सब अपने अपनी दावेदारी दर्शा रहे हैं कि सीएम का चेहरा मैं, उस क्षेत्र में भी वो शायद इस हिसाब से ही जा रहे हैं, क्योंकि तो केंद्रीय मंत्री होकर वो क्षेत्रीय चुनाव में लड़ना एक बहुत महत्वपूर्ण विचार मन वो है बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जी, महत्वपूर्ण। कई क्योंकि लोकसभा, इस लोकसभा बार लड़ना तो अलग बात है मतलब, और विधानसभा का और लड़ना वो अलग भी बात है। मंत्री मंत्रियों को उतार दिया, वो भी जी मंत्रियों सर, को उतार दिया ये विधानसभा के कांग्रेस चुनाव लेके, में। अब ये इस चीज के लिए कांग्रेस लेके जा रही क्या भैया, क्षेत्रीय लोग बचे नहीं थे क्या, या जो विधायक को टिकट काट के दिया है आपने, उन पर विश्वास नहीं था, या इसका क्या कारण है, कार्यकर्ता दुखी नहीं, है। उसका उसका कारण भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही है उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी में नेता बहुत हो गए हैं, टिकट के दावेदार बहुत हो गए, तो जी अब जी या तो उन दावेदारों में से एक को दो और बाकी सबको नाराज करो, या जी तो कोई ऐसा आदमी ला दो जो उन सबसे भारी हो और उन जी सबको माने एन केन प्रकारनेन ताम दंड भेद सबसे इकट्ठा करके और सब सबको अपने साथ लेके चला जाए। बिल्कुल सर जी, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कूटनीति हो सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।